हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो सुशांत सिंह राजपूत के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैं उन लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आत्महत्या की खबर सुन के हम सबका दिल दहल गया था। हम सबको बहुत बुरा लगा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। ही वॉज़ अ राइजिंग स्टार और उसे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिला था। और धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं रांची में ही थी जब उनकी शूटिंग चल रही थी इस मूवी की, और उन्हें देखने के लिए कितने लोग खड़े रहते थे लाइन में। JVM श्यामली में उनकी शूटिंग हुई थी। तो मैं उन लोगों के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। अब हम उनके लिए जो भी कदम उठा रहे हैं वो आज देखने के लिए नहीं है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग जो भी स्टेप लो, अगर आप लोग कोई भी हक के लिए लड़ाई कर रहे हो, उनके लिए आप लोग लड़ाई कर रहे हो, आप लोग करो। क्योंकि ये सच बात है, सबको बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसका रीज़न अभी तक पता नहीं चला है। आप लोग मीडिया पे भरोसा करना बंद करो। ज़रूरी नहीं कि मीडिया में हर एक बात जो बताई जा रही है वो सच हो। क्योंकि आज ही मैंने न्यूज़ में देखा और उसमें मुझे देख के इतना ज़्यादा शॉक लगा। न्यूज़ में बता रहा था सब लोग के बारे में कि सोशल मीडिया में ये ट्रोलिंग चल रहा है, कि जितने भी बड़े बड़े स्टार किड्स हैं उनको ट्रोल किया जा रहा है, लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले मीडिया ही स्टार्ट किया था ये बात बोलना कि सुशांत सिंह राजपूत के पीछे शायद बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स या फिर डायरेक्टर का हाथ तो नहीं, उन्हें शायद मूवी मिलना बंद हो गया था। एंड नाउ जब सबके दिमाग में उन्होंने ये बात बैठा दिया है, उसके बाद जब अब फैंस मिलके इस चीज़ को लेके लड़ रहे हैं, तो उनका मज़ा भी मीडिया ही ले रहा है। एकदम सी बात है, क्योंकि मीडिया आज स्टार्ट कर दिया बोलना कि सोशल मीडिया में आप देख सकते हो सब ट्रोल कर रहे हैं, जितने भी स्टार किड्स हैं उनको ट्रोल किया जा रहा है, सब ट्विटर छोड़ करके जा रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ट्विटर छोड़ के चली गई, सलमान खान के ऊपर इतना ज़्यादा ब्लेम आ रहा है, करण जौहर जो है वो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने साजिश की एंड ऑल दैट। क्या आप लोग से मैं इतना उम्मीद तो ज़रूर कर सकती हूँ कि जब तक एक फैक्ट पता ना चले, हम लोगों को उनके ऊपर तो कम से कम भरोसा नहीं करना चाहिए। जो जब तक फैक्ट पता नहीं चलता है, पुलिस कोई चीज़ बताती नहीं है, झूठ मूठ का अपने अनुमान से सिर्फ TRP बढ़ाने के लिए ये सारी न्यूज़ को फैला रहे हैं, एटलीस्ट हमें उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि हमको उन पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो मीडिया वही करते हैं जिनसे उनकी TRP बढ़ती है, और TRP बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे YouTube पे आप जब वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रेंडिंग में वीडियोस होते हैं उसमें आपको ऐसे देखने को मिलेगा, आपको इसमें देखने को मिलेगा, गौर से देखें सलमान खान का पीछे हाथ है इसके, गौर से देखें करण जौहर ने क्या किया। अभी ये दिखाता क्यों है, ताकि आप उसे खोल के देखो और आपको इंटरेस्ट अच्छा लगे, आपको लगे कि वाह क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये सारा चीज़ फेक है। जब आप उसे ओपन करोगे उसमें कुछ ऐसा बात नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है किसी चीज़ को। बस वो लोग ऐसा इसलिए रख लेते हैं ताकि हम लोग उनके व्यूज़ को बढ़ा सकें। इसलिए मैं सबको यही बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ये जो व्यूज़ को बढ़ाने के लिए जो ये लोग कर रहे हैं गंदी हरकतें, इनको क्या आप लोग सब जानते हो कि आप लोग तो कम से कम इन चीज़ को स्टॉप कर सकते हो। मैं सच में बताती हूँ, सुशांत सिंह राजपूत पटना के थे और मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का, क्योंकि मैं एक बिहारी हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि स्ट्रगल करना और उसके बाद एक अच्छे मतलब मुकाम पे पहुंचना जो होता है वो मैं जानती हूँ। क्योंकि हम लोग सबको स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में, स्ट्रगलिंग हमारे लाइफ का एक हिस्सा बना हुआ है, और हम जितना दुख हम सभी को है उतना ज़्यादा दुख शायद ही किसी और स्टेट के लोगों को होगा भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी गलत सोचें या फिर हम लोग ये सोच करके बिना कुछ सोचे समझे मीडिया की बातों में आ जाएं। कृपया करके आप लोग सब पहले फैक्ट्स को जानना सीखें। फैक्ट्स जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई डोंट नो उनके साथ क्या हुआ था और अभी तक पुलिस उस बात को ढूंढ रही है, और ढूंढने में टाइम लगता है, सब चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ये सब बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। और ये नॉर्मल सी बात है कि ये सारी चीज़ कहीं भी नहीं बताई गई है, ना मीडिया को बताया जाता है। तो
तो कृपया करके आप लोग सभी कोई से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुशांत सिंह राजपूत को की फ़ोटोज़ डाल के आप लोग डालते हैं कि रेस्ट इन पीस, आप लोग डाल रहे हो ना रेस्ट इन पीस, लेकिन वो कहाँ है रेस्ट इन पीस? हर एक मीडिया में, हर एक न्यूज़ चैनल पे, हर एक सोशल मीडिया में देख रही हूँ कि बस उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है, उनसे रिलेटेड चर्चा हो रही है। मैं चाहती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए आप लोग सब स्टॉप करें इस फालतू के ड्रामा को, सपोर्ट करना बंद करें और पुलिस अपनी काम कर रही है उन पे भरोसा रखें। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, क्योंकि ये जो वायरल हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। ये बात सब तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। सतर्क रहें और ऐसे लोगों से प्लीज़ कृपया करके सतर्क रहें और इन लोग से दूर रहें, और वायरल वीडियोज़ पे बिलीव करना आप लोग बंद करें। कोई भी पिटीशन साइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग के ऐसे करने से क्या पता पुलिस कुछ एक्शन ले ले। क्योंकि अगर कोई भी फेक चीज़ पे अगर हम लोग साइन करेंगे तो बाद में अगर वो इंसान के ऊपर वो ब्लेम नहीं आता है तो फिर हम लोग को उसके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। इसलिए ये सब चीज़ जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है वो सबसे थोड़ा दूर रहें। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल बहुत सारी चीज़ों को हम जानते नहीं हैं और हम लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बनाई ताकि आप लोगों तक ये बात पहुँच सके। थैंक यू सो मच।